हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। नवरात्रि व्रत में जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप यह साबूदाने की खीर 10 मिनट में बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े गिलास फुल क्रीम दूध, आधा बाउल साबूदाना, आधा बाउल चीनी, काजू, बादाम, पिस्ता, 4-5 इलायची का पाउडर, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, ऑरेंज फूड कलर। साबूदाने को आधे पौने घंटे के लिए भिगो कर रख दें और एक्स्ट्रा पानी हटाने के लिए आप साबूदाने को छलनी से छान लें ताकि साबूदाने का सारा पानी निकल जाए। कढ़ाई में दूध डालें, थोड़ा सा दूध बचा लें। इस दूध में हम फूड कलर घोलेंगे। आप फूड कलर की जगह केसर भी डाल सकते हैं। ये मैंने ऑरेंज फूड कलर का यूज किया है। कलर को दूध में डालें। और मिक्स करें। दूध में बॉईल आने दें। ये देखिए दूध में बॉईल आने लगा है। जब दूध में बॉईल आने लगे तो साबूदाना डाल दें और साबूदाने को कंटिन्यू चलाते जाएं। हम साबूदाने को तब तक कंटिन्यू चलाएंगे जब तक दूध में दूसरा बॉईल ना आ जाए, नहीं तो कई बार साबूदाना डालने से हमारा दूध फट जाता है। इसीलिए साबूदाने को नेक्स्ट उबाल आने तक आप कंटिन्यू चलाते रहें। ये देखिए अब दूध में उबाला आने लगा है। अब आप गैस की फ्लेम को लो कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालें। ये मैंने 4-5 इलायची को दरदरा कूट लिया है। चीनी डालें। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और साइड से इस प्रकार मलाई हटाते हुए खीर में ही मिक्स करते जाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें। और अच्छे से मिक्स करें। कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालें। खीर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसे 2-3 मिनट पहले ही बंद कर दें क्योंकि बाद में खीर गाढ़ी हो जाती है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 3-4 मिनट इसे पकाएं। ये देखिए खीर हमारी रेडी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे बाउल में निकाल कर सर्व करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश करें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने काजू, बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। ये देखिए टेस्टी टेस्टी साबूदाने की खीर रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए
और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं।